जोहार किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाई बहनों, आज हम नई जानकारियों के साथ हाजिर हो गए हैं आप सभी किसान भाई बहनों के लिए कृषि से संबंधित। चलिए शुरुआत करेंगे कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाई जा रही है पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी योजना। किसानों के विकास के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाती है आत्मा। निकाई गुड़ाई के लिए उत्तम कृषि यंत्र है डच हो। राज्य के पशुपालकों के लिए केंद्र प्रायोजित और राज्य प्रायोजित कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें से एक है पशुओं के निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं मुफ्त या अनुदानित दर पर दवा वितरण की योजना। राज्य के पशुपालक अपने पशुओं की स्वास्थ्य जांच अपने क्षेत्र के पशु स्वास्थ्य केंद्र में कराकर अनुदानित दर पर दवाई लेकर इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। झारखंड सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा भी पशुपालकों के लिए कई विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें किसान भाइयों को उनके नज़दीक का जो भी प्रखंड है या जिस प्रखंड में उनका गांव आता है, उस प्रखंड के पशु चिकित्सालय में भी कई विभिन्न प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं किसान भाइयों के लिए, जो सरकार की तरफ से उनको अनुदान पर उपलब्ध हैं। राज्य में संस्था आत्मा कृषि और किसानों के विकास के लिए कई तरह की कार्यक्रम चलाती है, जिसका लाभ यहाँ के किसान उठा सकते हैं। इन कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से किसानों को खाद, बीज और कृषि यंत्रों का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराना, इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन जैसे प्रशिक्षण, परिरक्षण, परिभ्रमण, प्रत्यक्षण, कृषक पाठशाला, कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की गोष्ठियों का आयोजन इत्यादि प्रमुख रूप से है। किसान अपनी आवश्यकता अनुसार इन कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। वर्तमान समय में किसान यदि दलहनी फसल लगाने के इच्छुक हैं तो वे उड़द, अरहर और मूंग की बुआई कर सकते हैं। अगर आप उड़द की बुआई करना चाहते हैं तो बेहतर उपज के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित प्रभेद बिरसा उड़द 1 और T9 का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाई, उड़द के खेती के लिए T9 बिरसा उड़द 1 ये दो प्रभेद का चुनाव करके आप इसी खरीफ मौसम में ये खेती कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने बैंगन की फसल लगा रखी है और यदि उसके पौधों में तना मुरझाया हुआ दिखे तो उसे तोड़कर देखें। यदि उसमें लाल रंग के पिल्लू दिखाई देते हैं तो ये तना छेदक कीट है। यदि इनका समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल को काफी नुकसान होता है। इस तना छेदक और फली छेदक कीटों से फसल को कैसे बचाया जाए, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। किसान भाई देखेंगे, जो हमारा बैंगन का पौधा है तो ऊपर से तना उसका मुरझाया हुआ दिखाई देगा, और उस मुरझाए हुए भाग को अगर किसान भाई तोड़ कर देखेगा तो उसमें लाल कलर की एक पिल्लू दिखाई देगा, तो जिस ये पहचान है तना भेदक की। तो इससे बचाने के लिए मैं किसान भाई को सलाह दूंगा कि सबसे पहले पौधे के नीचे जो घास है उसको साफ कर दें, उसके बाद प्रति पौधा 10 से 15 ग्राम रिजेंट या फोरेट लें या कार्बोफ्यूरॉन लें, उसके दाने पौधे की जड़ में डालें। उसके पश्चात आप नीम ऑयल या DDBP या मोनोक्रोटोफास का पहला छिड़काव करें, और हर 15 दिन बाद दानेदार दवा का आप लोग प्रयोग करते रहें। कृषि उपकरण कृषि कार्यों में किसान की मदद कर खेती बाड़ी को आसान बनाता है। कृषि उपकरणों की श्रृंखला में एक नाम है डच हो। ये उपकरण वैसे तो निकाई गुड़ाई कार्य के लिए है, परंतु इससे और भी काम लिए जा सकते हैं। इस उपकरण का नाम है डच हो। ये उपकरण वैसे तो फसलों में निकाई गुड़ाई के काम को आसान करता है, लेकिन इस उपकरण द्वारा खेत में नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई करने में सक्षम इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो आइए मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं सफलता की मंजिल इन्होंने कैसे पाई। धान खेती करते हैं, बैगन, अरहर, गेहूँ, ये सब खेती करते हैं। गाय पालन करते हैं?
पशुपालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 38, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 36, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 36, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 40, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग अधिकतम 39, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में पिछले कुछ समय से खाद्यान्नों के भाव में स्थिरता देखने को मिल रही है। मूल्यविदों के अनुसार तिलहनी और दलहनी अनाजों के भावों में आंशिक नरमी संभव है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों में नरमी बनी हुई है। वहीं आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रहीं। चावल मध्यम, न्यूनतम 2400, अधिकतम 3100 रुपए। चावल उत्तम, न्यूनतम 3300, अधिकतम 4500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 2100, अधिकतम 2800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6500, अधिकतम 7600 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 5800, अधिकतम 6100 रुपए। दाल चना न्यूनतम 6800, अधिकतम 7500 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 9500, अधिकतम 10100 रुपए। आलू न्यूनतम 700, अधिकतम 1000 रुपए। और प्याज न्यूनतम 900, अधिकतम 1100 रुपए। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार में आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल, कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारी ली। जानकारियों के सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का स्वागत है। किसान भाई बहनों, संथाल परगना में किस तरह से मुर्गी पालन की जाए, उस वातावरण में किस प्रकार से मुर्गी पालन कर सकते हैं, इन सभी की जानकारियों के लिए हम चलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर सीके कौशिक के पास, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी भानु घोष। कम पूंजी में व्यवसाय का एक जरिया मुर्गी पालन का है, जिसमें पशुपालक बॉयलर या देशी नस्लों का चुनाव कर इस व्यवसाय से जुड़ सकते हैं। इस क्षेत्र में सरकार के द्वारा कई प्रतिशत का भी अनुदान पशुपालकों को दिया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की भागीदारी पशुपालन क्षेत्र में आ सके और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। संथाल क्षेत्र में अधिकांश घरों में मुर्गी व बकरी पालन प्रचलित है, परंतु व्यावसायिक तौर पर नहीं, बस घरेलू उपयोग तक ही सीमित है। सरकार के तरफ से चलाए जा रहे सभी योजनाओं का व्यापक तरीके से प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, जिससे ये लोग सरकार की सभी योजनाओं से लाभान्वित हो सके। आजकल मुर्गी पालन, ब्रायलर फार्म, मतलब बहुत कुछ है, और बहुत सी हमारी सरकार की कुछ योजनाएं भी ऐसी आ गई हैं कि जिसमें ब्रायलर फार्म के लिए अनुदान भी दिया जाता है, लेकिन फिर भी हर एक आदमी मतलब ब्रायलर फार्म नहीं कर पाता है। उसमें मतलब कई कारण हैं, पूंजी भी का भी निवेश है, कुछ मतलब बैंक से लोन लेना पड़ता है। हो सकते हैं हमारे मतलब मुर्गी पालक भाई बहुत से मतलब इस बात से घबराते हैं कि हम मतलब पता नहीं बैंक से लोन लेकर के हम इस कर्ज को निकाल सकेंगे कि नहीं, हम आगे बढ़ सकेंगे नहीं। ये कुछ भ्रांतियाँ ऐसी हैं कि मतलब जिन लोगों से मतलब जो है मुर्गी
हर मुर्गी फार्म हर एक आदमी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज आपको एक बात बता देता हूँ कि महाराज ये एक संथाल परगना में ये एक संथाल बाहुमूल मतलब जो है स्टेट है, इसमें मतलब मुर्गी पालन मतलब ज़्यादातर मतलब सब लोग करते हैं जो देसी मुर्गी पालते हैं। अब देसी मुर्गी में पालते ज़रूर हैं, पर लेकिन अगर पूछा जाए उनसे कि अगर एक साल में आपने मतलब इन मुर्गियों से क्या कमाया, तो मुझे लगता है कि ना के बराबर ही मतलब वो बोल पाते हैं। बस केवल मतलब कहते हैं वही बात है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वो बस अपने खाने पीने तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन उनसे मतलब जो एक पैदावार लेनी चाहिए वो पैदावार नहीं ले सकते। कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा बैकयार्ड पोल्ट्री, जिसे घर के पीछे खाली बचे स्थान पर मुर्गी पालन करना कहते हैं, इसका इजाद किया गया है। इस तकनीक से मुर्गियों की देखरेख सही प्रकार से होती है। पालन के लिए मुर्गियों के नस्लों का चुनाव करना बेहद जरूरी है। झारखंड में निजात किया गया दिव्यांग नस्ल प्रजाति को उच्च श्रेणी में रखा गया है। साधारणतया देशी नस्ल की मुर्गियां 50 से 60 अंडा देती हैं, मगर दिव्यांग प्रजाति की मुर्गियां 100 से 125 अंडा देती हैं, तथा दिव्यांग को देसी मुर्गी के साथ क्रॉस कराने पर इनके चूजे भी स्वस्थ तथा उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। आज मतलब ऐसी ऐसी मतलब जो है जातियाँ निकल गई हैं, जो आप मतलब ब्रायलर पालन कर रहे हैं उसमें हुबर्ट था, बैनकॉप था, अनिक 100 था, अनिक 200 है, तो जो मतलब ये बहुत छोटी मतलब जो है समय में, कम समय में 27 दिन से लेकर के 45 दिन में ये 1.25 kg से 1.5 kg का हो जाता था, और इसको हम मतलब बड़ी आराम से निकाल देते थे। इसमें मुनाफा जो आता था 5 रुपये से लेकर के 10 रुपये तक आता था, लेकिन ये जो मैं आज मतलब बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म का भाइयों, मैं आपको मतलब एक बिल्कुल एकदम स्पष्ट शब्दों में समझा सकता हूँ कि जो लोग हमारे यहाँ मतलब जितने लोग हैं देसी मुर्गी पाल करके, मुर्गा मुर्गी पाल करके जो कर रहे हैं, उसी को बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म कहते हैं। बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म का मतलब है कि मतलब घर के पिछवाड़े मतलब पोल्ट्री फार्म कर लेना, और उसी को कहते हैं मुक्तांगन पोल्ट्री फार्म। मुक्तांगन पोल्ट्री फार्म का मतलब है मुक्त पोल्ट्री फार्म, मतलब हमने कोई बंधन नहीं किया मुर्गियों को, कोई हमने कि मुर्गी घर में नहीं रखा, और मतलब जो है हम उससे प्रोडक्शन अच्छा ले सकें, उसी को हम बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म कहते हैं। इसमें बहुत सी ऐसी मतलब जाती हैं जैसे दिव्यांग रेड इतना है कि मतलब अगर दिव्यांग रेड के कॉक को अगर मतलब जो है हम देसी मुर्गी के साथ रखा जाए, तो जो एक साल में एक देसी मुर्गी 50 से 60 अंडा देती है, उसी से क्रॉस करने पर वही देसी मुर्गी 100 से 125 अंडा दी, और वो भी जो अंडा है वो आप देसी अंडा के रूप में ही उसको मतलब सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। दूसरी उसके जो बच्चे हैं, चूजे हैं जो निकलते हैं, वो इतने सॉलिड और इतने मतलब स्वस्थ रहते हैं कि उनकी मोर्टिलिटी भी संख्या बहुत कम रहती है। मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र में पाई जाने वाली कड़कनाथ नस्ल की प्रजाति अब झारखंड में भी उपलब्ध हो गई है। यह प्रजाति चूंकि नाम से ही प्रतीत होता है कड़कनाथ, यह काले रंग का एक प्रकार का मुर्गा का नस्ल है, जिसमें मांस, खून, हड्डी एवं अंडा सब काला रंग का होता है। इसमें आयरन की मात्रा प्रचुर है, जिसके वजह से कई बीमारियों में भी इसका उपयोग होता है। अनेमिया, पैरालिसिस जैसी बीमारियों में यह नस्ल काफी उपयोगी है, जिसमें फैट एवं कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी न के बराबर है। इस उच्च कोटि के नस्ल का चुनाव कर मुर्गी पालक कम पूंजी में अच्छा खासा व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से ही कि कड़कनाथ है जो मध्य प्रदेश क्षेत्र मध्य प्रदेश का है, झाबुआ मतलब जिले से है, ये कड़कनाथ मतलब जो है इसका नाम ही कड़कनाथ है और वास्तव में वो कड़कनाथ है। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि यह मतलब जो कड़कनाथ है इसके अंदर आयरन की मात्रा इतनी पाई जाती है मतलब इसके मतलब जो है, और ये काले रंग का होता है, और इसकी तारीफ है कि इसका रंग भी काला, खून भी काला, चमड़ा भी काला और हड्डी भी काली, और ये आयरन युक्त तो होता है, और इसको मतलब जो है अभी आप मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आप जाएंगे तो 800 से 1000 रुपये पर केजी बिकता है इसका मीट। इसलिए और ये एक मतलब मीट मतलब एक स्वादिष्ट भी है और एक यह मेडिसन के लिए मतलब एक मेडिकेटेड भी है। ये बहुत सी ऐसी बीमारियों का मतलब जो है काम करता है कि आज लोग इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं मतलब सभी जितने मतलब हमारे जो मुर्गी पालक हैं, जो देसी मुर्गी भी पाले हुए हैं, वो मतलब जो है बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म मुक्तांगन मुर्गी फार्म के अंदर अपना दिव्यांग रेड कॉक, कड़कनाथ
आप बड़े आराम से मतलब रख सकते हैं। आप देसी मुर्गी के साथ कड़कनाथ मुर्गा रखें, दिव्यान मुर्गा रखें और आप उससे मतलब अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। कड़कनाथ मतलब 100 से 125 अंडा देती है और अंडा मतलब इसका बहुत काला भी काले कलर में होता है, हड्डी भी मैंने आपको काली बताई है, रंग भी काला है, खून भी काला है और मांस भी काला है, जिसमें ये आयरन बहुत है और यह इसका इसको मतलब बहुत से मतलब इलाजों में भी इसका मतलब सेवन किया जाता है। ये हमारे रिसर्च ने एकदम मतलब जो है ये पास कर दिया है कि जिनको पैरालिसिस का मतलब जो मतलब है, जिनको एनेमिक है, जिसको एनेमिक है एनीमिया मतलब जो है बिल्कुल एकदम खून की कमी है, अगर वो इसके सेवन करेगा तो इसमें मतलब जो है बहुत जल्दी ही इसको मतलब जो है सर्वाइव कर जाता है और खून की कमी को मतलब पूरा कर देता है ये। और एक काम हो रहा है, इसमें फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, फैट है जो है फैट की मात्रा बहुत कम है इसमें। फैट की मात्रा कड़कनाथ में मतलब मात्र मतलब जो है 2% और जब जनरल में आप जो जितने भी आप मुर्गा मुर्गी खाते हैं उसमें मतलब 18 से 25% तक का मतलब फैट पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल इसमें 100 ग्राम मीट में मात्र 60 मिलीग्राम मतलब जो है कोलेस्ट्रॉल मिलता है, जबकि आप मतलब अगर देसी मुर्गी और या मतलब ऐसा मुर्गा खाते हैं तो उसमें मतलब जो है 100 ग्राम में 218 मिलीग्राम मतलब जो है फैट में ये कोलेस्ट्रॉल मिलता है। इसलिए ये फैट युक्त फैट्स रहित और कोलेस्ट्रॉल रहित मतलब ये मुर्गा मतलब इस कड़कनाथ के अंदर है। इसमें शक्तिवर्धक भी है, ये पैरालिसिस हार्ट की कोई भी मतलब जितनी भी बीमारियां हैं इसका सेवन करें। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, इसका सेवन करने का तरीका और मतलब इसकी बीमारियां और इसको कहाँ से सुलभ से तरीका से पाएँ, ये मतलब आप मध्य प्रदेश का तो झाबुआ क्षेत्र से झाबुआ ज़िले से है ही है, अब ये हमारे झारखंड में भी उपलब्ध है। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी झारखंड में मुर्गी पालन की संभावनाओं के बारे में। डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और सब भाइयों को मेरा मतलब जोहार। तो आपने अभी जानकारी ली कि किस तरह से संथाल परगना में मुर्गी पालन की संभावनाएं हैं। तो चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं हम, लेकिन उससे पहले लेंगे एक और छोटा सा विराम, तब तक आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं, मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाई बहनों, इन गर्मियों के मौसम में तरबूज को देखकर किसके मुंह में पानी नहीं आ जाता है। जी हाँ किसान भाई बहनों, आज हम बात कर रहे हैं तरबूज की खेती के बारे में। चलिए इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार राय से, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र देवघर सुजानी में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के एक वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार राय जी। ये हमें जानकारी देंगे तरबूज की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाए। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। डॉक्टर साहब, तरबूज की वैज्ञानिक खेती के लिए सर्वप्रथम क्या कार्य करें हमारे किसान भाई? किसान को तरबूज की खेती करने के लिए उनको खेत की तैयारी कर देना चाहिए, 2-3 बार जोतना चाहिए। जोतने के बाद उनको 40 टन एक हेक्टेयर में गोबर की खाद डालना चाहिए, जिससे कि जो है फिर पानी देके उसको जोत दे देना चाहिए और फिर एक एक फीट पर 1 मीटर की दूरी पर उनको जो है 1-1 फीट का गड्ढा खोदना चाहिए। क्यों खोदना चाहिए? उसको गड्ढे को खोद देने से जो भी कीड़ा मकोड़ा रहता है 1-2 दिन के बाद मर जाता है। फिर उसको पानी देके उसको समतल बना लें और फिर बीज को लावें। तरबूज की वैरायटी होती है मेघदूत, मधु सबसे बढ़िया मधु है अभी, जो कि हम लोग पूरे संथाल परगना में कहिए या पूरे देवघर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कराए हुए हैं, और अर्का ज्योति,
जिसमें कि बीमारी बहुत ही कम लगती है, रेजिस्टेंट वैरायटी है। तो किसान को रेजिस्टेंट वैरायटी होने से उनको फ़ायदा ये है कि उसमें बीमारी बहुत ही कम लगती है। तो जब बीमारी कम लगेगी तो उनकी पैदावार ज़्यादा होगी। और उसमें जब लगाते हैं तो उसमें जो है गोबर दे के तैयार कर देते हैं, और फिर तरबूज का उस पर देखते हैं कि जब आप मार्केट से लाते हैं मधु या अर्का ज्योति, जो भी वैरायटी दोनों में किसान को मिल जाती है। हम लोग तो इस एरिया में मधु को ज़्यादा लगाए हैं क्योंकि पिछले बार इसका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा था और बीमारी बहुत ही कम लगी थी। तो इसमें जो है 75 से 100 टन तक किसान एक हेक्टेयर में पैदा किए थे। तो ये जो है मधु को अगर हम लोग लगाते हैं तो इसके लिए किसान के लिए वैरायटी बहुत ही अच्छी है और सूटेबल है। और जब हम इसको तैयार करते हैं, तैयार करते समय जो है इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी उसके अंदर खरपतवार होता है, क्योंकि दीमक कांस बहुत ही ज़्यादा होता है, तो दीमक से बचाव हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो उसको जो खरपतवार को वहीं माचिस से आग लगा देते हैं, तो एक आपका फास्फोरस का भी काम उस गड्ढे में कर देता है। और गड्ढे को भर देने के बाद एक चीज़ ध्यान रखें कि जब आप सीड लेते हैं तो देखेंगे कि जो बीज है हमारा उस पर लिखा हुआ है उपचारित या नॉन उपचारित। तो उपचारित अगर है तो उसको उपचार करने की ज़रूरत आपको नहीं, जिसको कि अंग्रेजी में सीड ट्रीटमेंट कहा जाता है। और तो उपचारित है तो उपचार नहीं करना है। अगर उपचारित नहीं है तो आप 1 ग्राम वेवेस्टिन दवा ले लें और उसको जो है एक सूती कपड़ा में जो बीज आपका है उसको आप जो है करीब 5 मिनट तक 1 लीटर पानी में मिला के उसको जो है आप भिगा लीजिए, और भिगा लेने के बाद किसी छाये में रख दीजिए। और छाये में रख देने के बाद दूसरे दिन हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि देखा गया है कि वो सुबह उठते हैं और खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो सूट नहीं करता है। क्योंकि अगर आप सुबह लगाते हैं तो ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर आपका जर्मिनेशन परसेंटेज कम हो जाता है। तो किसान वो बात तो नहीं समझते, वो समझते हैं कि हमारा बीज मर गया। और 3 बजे के बाद जैसे जैसे धूप ढलती है और टेम्परेचर जो है धीरे धीरे आप देखते हैं कि डाउन होने लगता है, तो उस समय हमको बीज लगा दें कि रात का जो टेम्परेचर डाउन होता है और फिर सुबह होने के बाद फिर टेम्परेचर होता है, तो सर्द और गर्मी जिसको बोलते हैं, तो उससे सीड का जर्मिनेशन होना शुरू हो जाता है। गर्मी पाता है और फिर ठंडा पाता है, तो दोनों से जल्दी सीड निकल जाता है। तो किसान भाई को चाहिए कि उस समय हम उसको लगावें और ठीक 15 दिन के बाद उसमें जो है जो आप खाद डालते हैं, हमारे किसान क्या करते हैं DAP डालते हैं, लेकिन इसमें जो है NPK डालना चाहिए। NPK जो है एक हेक्टेयर के लिए जो है हमको 250 यूरिया का प्रयोग करते हैं, माने NPK 12 32 16, तो इसका परसेंटेज होता है। और 100 kg जो है फास्फोरस और 75 जो है पोटाश देते हैं, जिससे कि इसको हमको रूट से लेना पड़ता है, ऊपर से ही इसका लिया जाता है। तो जब हम खेत में लगा देते हैं तो आप देखते हैं कि जब इसको 15 दिन के बाद निकल जाता है, फिर निकाई गुड़ा करके हम लोग खाद देते हैं, तो उस समय जो है नाइट्रोजन देते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे किसान भाई को हम लोग एक लगवाए हैं सारवा में, एक गांव में बलिया है गांव में, जहां पर किसान जो है ज़्यादा उसको लगाए हैं और जैविक खाद का प्रयोग किया गया है, और एक तरफ केमिकल खाद किया गया, रासायनिक खाद का उपयोग किया गया। तो हम लोग देखे कि जो रासायनिक खाद किया गया है उसमें सड़न ज़्यादा होता है, और लेकिन जो आप जैविक किए हुए उसमें जो है सड़न बहुत ही कम होता है, लेकिन उसमें गोबर और जैविक केचुआ की खाद हम लोग थोड़ा ज़्यादा डलवाए हैं। और इसमें जो है नीम कोटेड जो है इसमें स्प्रे किया गया है, और एक तरफ जो है हम लोग जो है जो डिमॉन्स्ट्रेशन किए हैं उसमें जो है आपका रासायनिक का किया गया है, कीटनाशी का। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग रासायनिक किए हुए हैं और जो आपका इससे जैविक वाला किए हैं उसमें काफ़ी अंतर आ रहा है, क्योंकि इसका ज़्यादा नाइट्रोजन पड़ जाने से तो पत्ता थोड़ा सा हो जाता है, पीलापन पड़ने पड़ता है, लेकिन जो जैविक का है उसका ATGs है। तो उसको हम लोग किसान को लाइट कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं कि किसान भाइयों ऐसा है कि आप जैविक पर ज़्यादा दीजिए, हमारी सरकार भी दे रही है, तो जैविक पर हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं। अभी हमारा एक किसान जो है सारवा में देखे हैं कि वो जो है मधु जो हम लोग वैरायटी दिए थे, वो किसान जो है करीब करीब वो बताया कि अभी तक हमने 4,000 रुपये का बेच चुका। और कुछ किसान जो अभी उनका फल लग रहा है भाई छोटा है, 1 kg के आसपास उनका अभी हो गया है। तो किसान को हम लोग अभी 3 दिन पहले हम लोग सुपरविजन में गए थे देखने के लिए, तो बीमारी लगी ही नहीं है, और किसान इससे बहुत ही खुश है जैविक वाले से कि सर अब हम लोग इसको लार्ज स्केल पर जैविक को। तो किसान को मोटिवेट करने में भी हम लोगों को समय लग रहा है, और 1-2 साल में ऐसा आएगा कि यहाँ के एरिया पूरा ही जैविक हो जाएगी।
तो हमारी सरकार जो जैविक पर दे रही है तो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र भी उसके तरफ ही बढ़ रहा है और धीरे धीरे इसको हम लोग दो ब्लॉक में कर रहे हैं, अभी मोहनपुर में भी कर रहे हैं और सारवां ब्लॉक में भी कर रहे हैं। तो तरबूज की खेती करने से किसान को जो है हमारी सरकार, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी हैं उन्होंने गाड़ी दिया है कि इसको जो है हम लोग दूसरे जगह हमारे किसान बेचे और मूल्य ज़्यादा से ज़्यादा लें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लें और इनकम हो रहा है। सबसे है कि किसान इसको जो है कम मेहनत में और ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, इस तरबूज में जो है बीमारी भी कम लग रही है और गर्मी के सीजन में पानी की ज़्यादा प्रकोप होता है तो ज़्यादा किसान को पानी की ज़रूरत होती है। इसमें नाला होता है तो नाला को अगर दे देते हैं तो उसमें जो है 1 से 7 दिन तक उसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो किसान को ज़्यादा पैदावार होती रहती है। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर राय ने कितनी अच्छी जानकारी दी तरबूज की वैज्ञानिक खेती के बारे में। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को देखें और लाभान्वित होंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार किसान भाइयों। तो आज आपने ढेर सारी नई नई जानकारियाँ ले ली कृषि से संबंधित। तो जाते जाते अब हमारा पता भी लिख लें जिसके द्वारा आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। हम अगले अंक में फिर से हाजिर हो जाएंगे आप सभी किसान भाई बहनों के लिए कुछ नई जानकारियां लेकर। जोहार।